जयपुर के दूदू थाना क्षेत्र में उदयपुर जा रही एक स्लीपर बस में गुरुवार सुबह 5:30 बजे अचानक आग लग गई। चलती बस में अचानक लगी आग से अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते 17 यात्रियों से भरी स्लीपर बस आग के लपटों से गिर गई। समय रहते चालक और खलासी ने सभी 17 सवारियों को बाहर निकाल लिया। सूचना के बाद दूदू थाना अधिकारी चैत्राम डागर और जीविके अधिकारी घटना स्थल पहुंचे। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद दमकल की मदद से बस में लगी आग पर काबू पाया गया। इसी दौरान काफी देर तक हाईवे पर वाहनों की कतार लगनी शुरू हो गई। पुलिस अधिकारियों ने यातायात को डाइवर्ट कर सुचारू करवाया। दूदू थाना अधिकारी चेतराम डागर ने बताया कि स्लीपर बस में संभवतः इंजन के पास लगे पंखे का बेल्ट टूटकर इंजन गर्म होने के बाद आग लग गई।